20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, जिसके बाद से हर किसी को यकीन हो गया कि नासा ने कुछ बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस पर साल दर साल सवाल भी उठने लगे। जब ये तस्वीर अमेरिका ने साझा की, नासा ने साझा की, तो लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि ये तस्वीर गलत है। आपने भी अपनी बुक में पढ़ा होगा नील आर्मस्ट्रांग के बारे में कि इन्होंने ही चांद पर पहला कदम रखा था, 3 एस्ट्रोनॉट गए थे। ये सारी चीज़ें आपने अपने स्कूल में पढ़ी होंगी, आपको किताबों में पढ़ाई जाती होंगी। लेकिन रूस ने ये दावा किया है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। दरअसल अमेरिका ने ये पूरा वीडियो, पूरा फोटो एक स्टूडियो में शूट किया हुआ है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। बात उस वक्त की है जब कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका दबाव में था और रूस हमेशा की तरह आगे बढ़ रहा था। रूस कहते हैं, रूस की जो उस वक्त स्पेस एजेंसी है वो काफी हद तक अमेरिका से आगे थी, नासा को वो पछाड़ रही थी। और कहा जाता है कि अमेरिका और रूस में हमेशा से एक तगड़ा कंपटीशन चलता है, जिसमें रूस खुद को सुपर पावर बताता है। लेकिन उस टाइम ये सुपर पावर नहीं रह गया था, क्योंकि नासा स्पेस में ऐसे कुछ भी खास प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च कर रहा था जिससे दुनिया में नासा का नाम हो, इसके जगह रशिया का नाम हो रहा था। लेकिन 20 जुलाई 1969 में नासा ने वो कर दिखाया जिसके बाद से पूरी दुनिया ने नासा के आगे घुटने टेक दिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। दरअसल 1969 से अगर हम 22 साल पीछे जाएं तो रूस ने स्पेस में पहले ही एक कुतिया को भेजा था, जो कहते हैं एक स्ट्रीट डॉग थी, उसको स्पेस में भेजा था, उसने महिला को स्पेस में भेजा था। रूस ये सारी चीज़ें 22 साल पहले ही कर चुका था। और जिस डॉग को भेजा गया था स्पेस में, उसका नाम था लाइका। लाइका को स्पेस में भेजा गया था, वो स्पेस से वापस भी आई थी। सारी चीज़ें रूस के ही फेवर में हो रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त रूस का नाम, रूस का जो स्पेस मिशन था उसका नाम पूरी दुनिया में होता था, रूस का ही डंका बज रहा था। और उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन की बनती नहीं थी, इनमें लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते अमेरिका उस वक्त प्रेशर में आ गया था। लोग अमेरिका पर सवाल पूछने लगे थे और अमेरिका को रूस के सामने काफ़ी कम आंका जाता था। फिर वक्त आया 1961 का, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने बोला, सारी दुनिया के सामने पब्लिकली खड़े होकर बोला कि वो नासा एक पहली ऐसी स्पेस एजेंसी बनने जा रही है जो इंसान को चांद पर ले जाएगी। यानी कि नासा से जो भी एस्ट्रोनॉट जाएगा उसका पहला कदम चांद पर पड़ेगा। इसके पहले ना तो रूस ने ऐसा किया है, ना तो चाइना ने ऐसा किया है, किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। मून पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। तो जॉन एफ कैनेडी ने ये दावा किया लोगों के सामने और उस वक्त ये सभी पेपर की हेडलाइन बनी कि अब अमेरिका पहुंचने वाला है चांद पर। रूस ने भी इस बार ये बात रूस की तक भी पहुंची, तो रूस को भी लग रहा होगा कि देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। अमेरिका ने धीरे धीरे शुरुआत की, वो अपने अंतरिक्ष यान भेजने लगा स्पेस में, उसकी प्रैक्टिस करने लगा चांद पर जाने की। तो कहते हैं सबसे पहले शुरुआत हुई अंतरिक्ष यान अपोलो 1 से। उसने सबसे पहले अपोलो 1 को भेजा, अपोलो 2 को भेजा, अपोलो 3 को भेजा और एस्ट्रोनॉट के डमी बनाकर भी उसने अंतरिक्ष यान में रखे और उनको स्पेस में भेजा। कहते हैं कि 1969 से पहले 20 जुलाई 1969 को तीनों एस्ट्रोनॉट गए थे स्पेस में, लेकिन उसके पहले फरवरी के महीने में 1969 को फरवरी के महीने में उसने इसके पहले भी 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा था डमी के तौर पर। पहले तो वो सिर्फ डमी भेजता था, लेकिन ये तीनों एस्ट्रोनॉट जो थे वो नासा में साइंटिस्ट थे, नासा में काम करते थे। तो नासा ने इन तीनों को भेजा था, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही अंतरिक्ष यान ने अपोलो 8 ने जैसे ही यहाँ से टेक ऑफ किया, वैसे ही उसमें आग लग गई और आग इतनी ज़्यादा लगी कि वो तीनों एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। इसके बाद दुनिया को लगा कि शायद नासा इस मिशन को अबॉर्ट कर दे और अब चांद पर भेजने का उसका जो प्रोग्राम है, जो उसका प्रोजेक्ट है, उसको वो कैंसिल कर दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नासा रुका नहीं। नासा ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया। 20 जुलाई 1969 का वो वक्त आया जब अमेरिका के तीन एस्ट्रोनॉट, नासा के तीन एस्ट्रोनॉट चांद पर पहुंचे। कहते हैं उसमें से एक एस्ट्रोनॉट जो था वो चांद के चक्कर लगा रहा था, बाकी दो एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर पहुंचे थे।
जब चांद के सतह की फोटो, और जो अमेरिका ने, आपने भी वो फोटो देखी होगी गूगल पर, काफी वो फोटो ट्रेंड करती रहती है, और वो फोटो काफी फेमस फोटो है। नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी वो फोटो को अपलोड कर रखा है, जिसमें अमेरिका का झंडा दिख रहा है आपको हवा में लहराता हुआ, और साथ ही वहां पर नील आर्मस्ट्रांग खड़े हुए हैं। लेकिन जब फोटो पब्लिक के सामने आई तो कई एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल खड़े किए। ना सिर्फ दुनिया के तमाम एक्सपर्ट बल्कि अमेरिका में ही जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए कि ये फोटो सच नहीं लग रही है, ये किसी स्टूडियो में शूट की गई फोटो है। लोगों को भी लगने लगा कि हो सकता है शायद ऐसा ही हो। तो उस फोटो को देखकर आखिर इतने सवाल क्यों उठे? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उन फोटोज में क्या क्या गलतियाँ एक्सपर्ट्स ने निकाली। सिलसिलेवार तरीके से 5 से 6 गलतियाँ एक्सपर्ट्स ने उस वक्त निकाली थी। सबसे पहली जो गलती निकाली थी वो थी परछाई को लेकर सवाल उठे थे। जब नील आर्मस्ट्रांग मून की सतह पर खड़े थे, चांद की सतह पर खड़े थे, तो कहा जाता है कि वहां पर लाइट का सोर्स है वो सिर्फ सूरज ही है, यानी कि सन की लाइट से ही परछाई बनती है। लेकिन उस वक्त कहा जाता है नील आर्मस्ट्रांग की 2 परछाई बन रही थी। ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी फोटो को स्टूडियो में शूट किया गया हो और ढेर सारी लाइटें पड़ रही हो, तभी आपका जो शेडो है, जो परछाई है, वो 2 बन सकती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सूरज की लाइट में आपकी 2 परछाई बने, क्योंकि रोशनी एक ही तरफ से आ रही है। दूसरा जो एक्सपर्ट्स ने दावा किया था वो ये था कि जो फोटो नासा ने जब उसको पब्लिक किया, तो जहां पर नील आर्मस्ट्रांग खड़े हैं वहां पर एक पत्थर रखा है, जिस पत्थर पर रोमन में सी लिखा हुआ है। अब जैसा कि नासा दावा करता है कि पहला कदम चांद पर उसके एस्ट्रोनॉट ने रखा, उसके पहले वहां पर कोई गया नहीं, तो आखिर ये पत्थर पे सी किसने लिखा? तीसरा जो एक्सपर्ट्स ने दावा किया वो ये था कि नेशनल फ्लैग ये हवा में लहराता हुआ कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि मून पर वायुमंडल नहीं है, चांद पर वायुमंडल नहीं है, ना तो वहां पर हवा है और ना ही पानी है, जिसके चलते फ्लैग लहरा नहीं सकता, वो उसको बिल्कुल सीधा रहना चाहिए था। तो इसको लेकर भी काफी सवाल उठे। और चौथा जो सवाल उठे वो ये था कि गड्ढा क्यों नहीं बना। कहते हैं कि जब लूनर डस्ट पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो जब अंतरिक्ष यान लूनर डस्ट पर लैंड किया तो इतनी फोर्सफुली उसने लैंड किया होगा कि वहां की जो सतह है उसमें गड्ढा हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी तरीके का गड्ढा नहीं हुआ, जिसके चलते कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। हालांकि अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और नासा के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे तो बाकायदा 3 घंटे का एक वीडियो उन्होंने डाल रखा है, जिसमें पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरीके से नील आर्मस्ट्रांग अपने स्पेस क्राफ्ट से उतर रहे हैं, उन्होंने चांद की फोटो ली, उन्होंने अपनी फोटो ली, और कहा जाता है कि वहां पर फुटप्रिंट भी नील आर्मस्ट्रांग के बने हुए हैं। लेकिन जिन फुटप्रिंट की फोटो आई, वो जो स्पेस सूट का जो जो वो लोग जूते पहन के जाते हैं कहा जाता है, उससे बिल्कुल ही मेल नहीं खा रही थी। तो इसको लेकर भी अमेरिका पर सवाल उठे कि कहीं ना कहीं अमेरिका झूठ बोल रहा है। इसके अलावा रूस ने यह दावा किया कि वो अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजेगा और इस बात का पता लगाएगा कि नासा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि चांद पर पहुंचना और वहां पर पहुंचने का दावा करना दोनों ही बहुत बड़ा दावा है। क्योंकि अभी तक जैसा कि कहा गया कि रूस नहीं पहुंच पाया था, तो रूस अब करीब 53 ईयर्स हो चुके हैं जब पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने वहां पर रखा था, तो उसको लेकर अब रूस कहता है कि वो जाएगा यहाँ वहां पर जांच करेगा कि अमेरिका का झंडा है या नहीं, वहां पर कोई फुटप्रिंट है या नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जो दोनों एस्ट्रोनॉट उस वक्त चांद पर गए थे, वो चांद की सतह से 23 किलो पत्थर लेके आए थे और बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारी धूल जो है वहां पर, उसको इकट्ठा करके लेके आए थे कि देखा जाए कि चांद पर क्या क्या है। उस वक्त ये बात हेडलाइन बनी थी और काफी वक्त तक चर्चा में छाई रही, और आज भी अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया है कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था, लेकिन जब एक्सपर्ट्स की नजरों में ये फोटो आई और एक्सपर्ट्स ने बहुत ही बारीकी से इसको देखा, तब उनका कहना है कि ये फोटो गलत है। और इसको लेकर एक और भी सवाल उठते हैं कि जब ये फोटो आप देखेंगे तो देखेंगे कि ऊपर आसमान है, और कहा जाता है कि आसमान में कोई भी तारे नहीं दिख रहे हैं, आसमान पूरा काला दिख रहा है। तो इसको लेकर भी अमेरिका से कई सवाल पूछे गए, हालांकि अमेरिका ने सिलसिलेवार तरीके से किसी भी सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया।
अब अमेरिका के झूठ बोलने का रीजन क्या था? कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि अमेरिका को झूठ बोलकर क्या मिल गया। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि उस वक्त जो कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा दबाव था, तो वो दबाव कम हो गया। लोगों का जो ध्यान था वो कोल्ड वॉर से हटकर अब नासा पर आ गया कि किस तरीके से अमेरिका ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दूसरी थ्योरी ये आती है कि कहा जाता है उस वक्त नासा के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि नासा कुछ बड़ा कर नहीं पा रहा था, कुछ हासिल नहीं कर पा रहा था, अमेरिका का नाम नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से सरकार ने नासा की फंडिंग कम कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा कम कर दी थी। नासा को नुकसान होने लगा था, इस वजह से नासा ने ये प्लान बनाया। उसने अपनी सरकार से झूठ बोला कि उसने अंतरिक्ष में वो चांद पर जो है किसी इंसान को, किसी एस्ट्रोनॉट को भेजेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो उसने अपनी सरकार से भी झूठ बोला था कि उसकी फंडिंग जो है इस स्पेस में जो है तीनों एस्ट्रोनॉट गए थे उसके बाद उसकी फंडिंग जो है बढ़ सके और सरकार को यकीन हो सके कि नासा कुछ सीरियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो इस तरीके की कई थ्योरियाँ हैं, लेकिन कभी भी अमेरिका ने और नासा ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि रूस आज भी कहता है कि वो इसकी जाँच करवाएगा और देखेगा जाके कि अमेरिका सच बोल रहा है या फिर झूठ। आपको क्या लगता है कि क्या सच में अमेरिका चांद पर गया था या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है? आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।